हाय, गुड मॉर्निंग यार। देखो, आज के न्यूज़पेपर में अगर तो हम लोग देखेंगे तो COP26 हो रहा है। ठीक है, COP26 का मतलब क्या होता है? COP26 देखो क्या है। COP26 को बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, ये जितना होता है ना, ये 26 है ना, तो इसका मतलब ये 26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है। क्या है? 26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है। दिस 26 का मतलब होता है 26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। तो इसमें देखो यार, दो चार क्वेश्चन बन सकते। देखो, इससे मैं इम्पोर्टेंट आपको बताता हूँ। इसकी जो मतलब हेडक्वार्टर है ना, वो आप लोग याद रखिए, पेरिस में। ठीक है, तो मोस्टली ये फ्रांस डोमिनेटेड है। ठीक है, आप ये चीज़ आपको याद रखनी है। दूसरी चीज़ है देखो, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, जैसे टोबैको कंट्रोल, उसमें भी कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टी हुई थी। ठीक है, या आप लोग क्योटो सुनते हो, क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल, ये सब रिलेटेड है कॉप से, ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में ये सब डिसीजन ली गई है। ठीक है, या स्कॉट हम आप लोग सुनते होंगे। ठीक है, तो ये सब जितनी चीज़ें हैं ना, सब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की जो असेंबली होती है ना, मीटिंग जो होती है, उसी में ये सब डिसीजन ली जाती है। ठीक है, और इससे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? तो इस साल जो कि ग्लासगो में हो रहा है, ग्लासगो कहाँ की राजधानी है? स्कॉटलैंड का। स्कॉटलैंड का तो नाम सुने ही होंगे, इस वाले वर्ल्ड कप में T20 में खेल रहा है वो। ठीक है, Super 12 में। तो इतना चीज़ें तो आपको पता है यार, इससे और क्या क्वेश्चन पूछेगा? और स्कॉटलैंड के बारे में पूछेगा तो बता देना यार, स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम का क्या पार्ट है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की सबसे पहली जो हुई थी ना, पेरिस में हुई थी। ठीक है, पेरिस कहाँ यार? फ्रांस में। ठीक है, तो यार ये सब चीज़ें, बेसिक बेसिक चीज़ें, ये सब पूछी जाएगी। और इंडिया के तरफ से रिस्पेक्टेड नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट मिनिस्टर भी होंगे। तो इस बार देखो यार, बहुत चीज़ें हो रही है। टेक्नोलॉजी के बारे में बात की जाएगी, फाइनेंस विद डेवलप्ड कंट्री, ये सब चीज़ें बात की जाएगी। तो देखो यार, ग्लोबल लेवल पे जो भी बहुत सारी बड़ी बड़ी जो आप प्रोटोकॉल सुनते होंगे, कन्वेंशन सुनते होंगे, वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में ही डिसीजन ली जाती है। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में ली जाती है। बहुत सारे यूनाइटेड नेशन के स्टेट्स हैं, ऑब्जर्वर्स है, यूनाइटेड नेशन से इंडिया है, ऑब्जर्वर का मतलब आप समझ रहे होंगे। ठीक है, ताइवान है, बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, ऑब्जर्वर का मतलब ये होता है, देखो तो एक चीज़ बताता हूँ, अब किसी में सुनते होगा कि इतने सारे मेंबर हैं और कुछ ऑब्जर्वर जो होते हैं ना, ऑब्जर्वर को इनवाइट किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है ऑब्जर्वर को? ऑब्जर्वर को इनवाइट किया जाता है। ठीक है, और वो 2 साल 3 साल 4 साल के लिए वो ऑब्जर्वर बने रहते हैं। जैसे आप सुनते होंगे, मतलब ऑब्जर्वर का मतलब यही होता है कि वो परमानेंट मेंबर नहीं होते, वो बस ऑब्जर्व करने के लिए आते हैं, देखने सुनने के लिए आते हैं कुछ सालों के लिए। ठीक है, और उनकी वोटिंग राइट नहीं होती। ऑब्जर्वर के पास क्या होता है? वोटिंग राइट नहीं होता। ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्या नहीं होता है? सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का अगर ऑब्जर्वर दिया रहा है, तो ऑब्जर्वर का मतलब ये होता है कि क्या उसके पास कोई वोटिंग राइट नहीं होती है। क्या नहीं होती है? वोटिंग राइट नहीं होता। अंडरस्टैंड? ग्रेट यार।